साथियों आज गांव जाना में बहुत दुख घटना हो रही है साथियों। खड़ी फसल गेहूं की किसानों के जाके राख हो गई आग लगने के कारण। ये देखिए किसान साथियों कितना भयंकर है, किसान आग साथियों आग लगी हुई है। बहुत ही गर कह नहीं सकते हम, कई चरेटों तो छाले पड़ गए पैरों में, इतने इतने बड़े बड़े वो हो गए खलील से। जिन किसानों की आज ये फसल जल के राख हुई है भाई साहब, मेरे हिसाब से उन बेचारों ने आज तक भी मतलब खाना खाने की तो दूर की बात, उन्हें पानी तक भी। तो वो गाड़ी यहाँ पर आग बुझाने के लिए आई और जब आग एकदम से ज़्यादा तेज़ हो गई तो गाड़ी निकलने का कोई रास्ता नहीं था, तो उस गाड़ी छोड़ के ड्राइवरों को भागना पड़ा, नहीं तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। थे वो ये नहीं देख रहे थे कि हम जलेंगे बचेंगे मरेंगे हमारे साथ क्या होगा, सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि आग को कैसे काबू कम हो जाती है। तो पौने पैरे फिर उस तरह ये उंगली ऐसे फट गई, ये फट गई। स्पेशल हरियाणा देखने वाले व सारे दर्शकों का सतीश दणोदा की राम राम। फिलहाल खड़े हैं भाई उज्जैन गांव में और कल बताऊं भाई 2-3 बजे के आसपास भाई यहां पर बहुत भयंकर जो मंजर था भाई, क्योंकि जो किसान की जो फसल थी गेहूं की खड़ी फसल वह अपनी आँखों के सामने जली हरी आप देखने लगे। दिखाई दे भाई कैमरा चेक करके, ये आप हालात खुद देख सको भाई, ये पूरा का पूरा इलाका है भाई जो जलकर राख हो चुका है भाई, क्योंकि फसल जब अपनी आँखा का शामी जड़ा है भाई, कितना दर्द हो है वो किसान समझ से कर भाई। मौका पर भी आप देखने लग रहे हो, वो दिखाई दे मौका पर भाई किसान पहुंच गए हो जाना गांव से, उन तक बात करांगे आखिर किस प्रकार भाई आग लागी होगी और किस प्रकार इस आग पर काबू पाया गया, क्योंकि भाई खड़ी फसल पर आग काबू पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो। लेकिन किसानों का फिर भी हौसला कहवाएंगे भाई, क्योंकि अपनी जो फसल हो है आँखा का शामी जल्दी नहीं देखी जाती, अपनी भाई जान जोखिम में डाल के उनकी भैया आग बुझाई गई है। एक बार उनकी बात कर लिया कि किस प्रकार भाई आग लगी थी, कितने एकड़ का आसपास भाई जो गेहूं की खड़ी फसल जली है, एक बार उनके पास में चल रही आग की बात। आग का तो पता ही नहीं, अचानक से कैसे तो लगी है कैसे ना हो, तो लगने के बाद ही पता लग गया। जब आग लगी तो यहाँ से इधर उधर से पता लग गया आग लग गई, आग लगी वो कुछ बार ज़्यादा की तेज उसमें और फैल गई। फिर लोग आगे गुआंड से भी आगे अपना कोल से भी नेपे वाला से भी उछाणा से भी छत्ती बिरादरी आई और अपने प्रयास समिति की गाड़ी भी एक अलग से रखते हैं हम गांव की तरफ से, जैसे फायर ग्रेड होती है वो भी आई, फायर ग्रेड भी आई, पुलिस प्रशासन भी आया। लेकिन क्या बना प्रशासन से, ये तो बहुत ही मुश्किल, बहुत ही गैर कह नहीं सकते हम, कई चरेटों तो छाले पड़ गए पैरों में, इतने इतने बड़े बड़े वो हो गए खलील से आग का कारण जलन का। हाँ उन पर रुके नहीं गए, अंदर पड़ गए। लेकिन फिर भी हम तो गांव राम की सहमति से यार सबकी छत्ती बिरादरी से ये आग यहीं पर रुक गई। ये 30-35 एकड़ करीब गेहूँ जलकर राख होगी, किसान चकोत्ता पर खेत ले रहा है। देखो तो रघुवीर स्नोप संतलाल है, रघुवीर स्नोप पंजाब सिंह है, अच्छा सतवीर तारा चंद का है, महेंद्र जीतू का है, मतलब 8-10 नाम है इसके, 8-10 नाम है जिसके, किसी के 6 हैं, किसी के 4 हैं, किसी के 5 हैं, किसी के 3 हैं। और यही करने हम तो सरकार से एक अपील करते हैं, देखिए किसान पहले मरे हुआ है, चकोत्ता वो 60-65 ने खेत ले रहा है, उसका मुआवजा उचित दामों से 50,000 का करीब से उसका मुआवजा दिया जाए, ताकि वो अगली फसल भी उसके उगा सके और आने वाला कल उसके लिए ठीक हो, उसके बच्चों को दाना मिले खाने के लिए। बस यही है, और बाकी गुरुदेव जी बता देंगे आपको। गुरुदेव भाई जी 6 महीने बालकाई डाल फसल ने पाला जी, आँखा का शामी जल गई, कितना के दुख हो जाएगा भाई किसान। भाई साहब देख दुख में तो इसमें कमी होनी है, क्योंकि जिसका लग गया वो जग गया। जिन किसानों की आज ये फसल जल के राख हुई है भाई साहब, मेरे हिसाब से उन बेचारों ने आज तक भी मतलब खाना खाने की तो दूर की बात, उन्हें पानी तक भी नहीं पिया होगा, उनके आंखों के आंसू नहीं सूखे होंगे। क्योंकि जिसके मैंने ही मान लो 70,000 ने खेत चकोते पे ले लिया, और जो वो फसल मैंने पूरे 6 महीने लगातार उसको तैयार किया, और जो वो एन मौके पे उसमें कोई हादसा हो जा जैसे अब आग लग गई इसके अंदर, तो भाई साहब उसके पास क्या बचा है, बेचारे किसान के पास तो कुछ नहीं बचा है एक रोने के सिवाय। और हम तो प्रशासन अधिकारियों से भी यही निवेदन करते हैं और सरकार से भी कि जितने भी हमारे किसानों की फसल जल के राख हुई है उनको जल्द से जल्द उचित मुआवजा दिया जाए, ताकि आने वाला भविष्य उसके बच्चों की परवरिश घर का खर्च और आगे जो खेती करेगा वो उसका काम ऐसे ही चलता रहे जैसे पहले चल रहा था।
तो गेहूं के अलावा और भी कहां पे कुछ साधन भी चले थे यहां पे? हाँ जी, हूँ यहाँ पर हमारी एक गांव में प्रयास सेवा समिति है जो हर गांव में अच्छा काम कर रही है, जैसे वृक्ष लगाना या और कोई सफाई का कार्य है, या जैसे गांव में अभी आपातकालीन के लिए जो गाड़ियां रखती है आग बुझाने के लिए, तो वो मास्टर सुरेश जियों की गाड़ी थी जो वो एक पानी का प्लांट लगाया हुआ उन्होंने, वाटर प्लांट, तो उन्होंने वहाँ पर उसको दिया हुआ था किसानों की सहायता के लिए। तो वो गाड़ी यहाँ पर आग बुझाने के लिए आई और जब आग एकदम से ज़्यादा तेज़ हो गई तो गाड़ी निकलने का कोई रास्ता नहीं था, तो उस गाड़ी छोड़ के ड्राइवरों को भागना पड़ा, नहीं तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। कितने बजे घटना और कितने घंटे बाद जो आग पर काबू पा लिया था? ये लगभग दो ढाई के आसपास की घटना है और लगभग 4:30-5 बजे इस पे काबू पाया गया। 4:30-5 तो गांव का पूरा सहयोग था गांव के युवा? नहीं, देखिए हमारे गांव में 36 बिरादरी इस काम में इतना सहयोग करती है, बच्चा बच्चा घर से निकल के बाहर आ जाता है, तभी तो इस पे आग पे काबू पाया गया भाई साहब। अगर गांव का साथ और आसपास के जितने हमारे गांव हैं उनका साथ नहीं होता तो आग पे कैसे काबू कर लेते भाई साहब? आदमी जब उस आग को बुझा रहे थे वो ये नहीं देख रहे थे कि हम जलेंगे, बचेंगे, मरेंगे, हमारे साथ क्या होगा। सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि आग को कैसे काबू करना है। और मैं हमारे गांव के सभी साथियों को बहुत इस बात के लिए गर्व महसूस करता हूं कि उन ऐन मौके पर आज एक बहुत बड़ी, मतलब पता नहीं कितने गेहूं के किले जल जाते अगर ये आग ऐसे ही आगे की आगे चलती, तो उस पर गर्व है मुझे मेरे गांव पे और आसपास के हमारे गुआंडों पे कि उन्होंने इस आग को काबू किया। हाँ जी, राम राम जी। राम राम जी। तो कल की जो घटना है जी, पूरे जिले में चर्चा है कि बड़ी दुख की घटना हुई किसान के साथ, क्या कहना चाहोगे? भाई एक हम बहुत माड़ी इधर हुई है भाई साहब, जमा साहब कल युवाल मर पर देखे भी नहीं जाता, आज भी रोना हो चीज देख के बहुत ही मोड़ा काम। 6 महीने इसे मैं बैठे रहा और 6 महीने दाड़े भर करे एक मिनट पर सारा सौदा जा लिया। हाँ जी भाई साहब, हमारे इस फसल को एक साल की फसल बोलते हैं और फसल 6 महीने की होती है, फसल साल भर की होती है, इसमें अनाज और भूस दोनों चीज़ आती है। किसान को दोनों पशुओं के लिए, आप खुद के खाने के लिए दोनों चीज़ें इसी फसल से मिलती है। तो जिस किसान की फसल चली गई ना, उसके पास आज कुछ नहीं है सुवाई रोने के। हम तो सरकार से आज जोड़ के यही प्रार्थना करते हैं कि इनकी सहायता की जाए ज़्यादा से ज़्यादा। तो एक बार दिखाओगे जी कितना क्या जी कैसे करना ये तो काला हो गया भाई साहब, कुछ भी को नहीं है ये तो, बताऊं ये मेरा क्या हुआ है, ये तो वो किसान उजड़ गए हैं। मतलब एक तरफ से जिस किसान के गरीब की बेचारे की ये गेहूं जल के आज राख हुई है ना, उस किसान के पास भाई साहब कुछ नहीं बचे हैं, वो बहुत पीछे चला गया है। बिल्कुल, तो हम तो यही प्रशासन और अधिकारियों से यही कहते हैं कि जल्द से जल्द आप जो भी कार्रवाई करनी है वो जल्द से जल्द वो कार्रवाई करके और इनको जल्द से जल्द उचित मुआवजा दिया जाए ताकि इनके बच्चों की पर असर ना पड़े, इस परिवार पर कोई असर ना पड़े, ताकि सरकार, तभी तो पता चलेगा कि किसान तेजी सरकार है जब किसानों के काम आएगी। बिल्कुल, और कट्टा का वजन घटाने से और रेट वही रखने से नहीं होगा जब किसानों को कुछ दिया जाएगा। जैसे आज इतना बड़ा नुकसान हुआ है ना, जब इसमें किसानों की सहायता करेगी तभी सरकार का ये पता चलता है कि हाँ सरकार वाक्य में ही किसानों की वफादार है। तो भाई साहब, आप जैसे सीजन चल रहा है कटाई का जी, तो आग लगने के जो कारण है क्या क्या कारण, कैसे लोग बचाव करें, कोई इसको लेकर भी बताओ लोगों। देखिए भाई साहब, बचाव का तो एक ही रास्ता है, जब कहीं पर आग जनी होती है या ऐसी कोई दुर्घटना दिखाई देती है, तो मैं तो ये कहता हूँ कि पूरी 36 बिरादरी गांव से बाहर निकल कर उस आग को काबू करने की कोशिश करे, क्योंकि ये ऐसा चीज़ है जिसको मतलब लोग ही बुझा सकते हैं पूरे, जब गांव के गांव निकल के बाहर आते मतलब हैं लोगों की संख्या होनी चाहिए। हाँ, वो काबू कर सकते हैं भाई साहब, उसके बगैर आग पर काबू पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि साधन भी नहीं कर सकते, साधन के पता है आग लग जाएगी। लेकिन लोग पता है ये जैसे पेड़ों की टहनियाँ हैं, इनको तोड़ तोड़ के, क्योंकि ये हरी होती हैं, जहाँ भी मारते हैं ना तो वहाँ से आग बुझती चली जाती है आगे के आगे। आग बुझाने के दौरान किसी को कोई गहरी चोट तो नहीं आई होगी? नहीं, देखिए गहरी चोट नहीं आई है, बाकी ऐसा है कि आग के अंदर जब मतलब पैदल ऐसे चल रहे हैं ना, तो उसमें चोट तो
आँच तो लगती है ना भाई साहब पैरों में नीचे, धरती बहुत गर्म हो जाए, धरती गर्म हो जाती है, पौने पैरे फिरे हैं भाई तो पौने पैरे फिरे हैं नहीं, जिस तरह ये उंगली ऐसे फट गई, देखे सात बजे दे दो रे कल के, ये फट गई कुछ फन नेट जाए, ये उंगली फन नेट लग गया, आँच लग गया, उस कारण वो फट जाती है। और लेकिन मैं तो बहुत ही ये भगवान का भी आशीर्वाद मानता हूँ हमारे गांव पे बाबा खाकर जियो का, कि हमारे किसी भी साथी को कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ जिससे मतलब भरपाई करना मुश्किल है, इसकी तो थोड़ी बहुत भरपाई हो जाएगी। जी 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 इंसान नहीं कोई, हाँ जी जी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ भगवान की दया से। और हम अब भी यही अपील करते हैं प्रशासन अधिकारियों से जल्द जितनी भी हमारी फसल जड़ी है इसकी जल्द से जल्द कार्रवाई की। कोई ऐसा भी किसान था जिसका पूरा पूरा खेत आड़े थर पूरा जलिया हो, कोई ऐसा भी किसान था? नहीं ऐसा तो कोई है नहीं है भाई साहब, लेकिन जो काश्तकार है ना यहाँ पर जो 70,000 ने 65,000 ने जमीन चुन के मारा, ऐसे एक एक को पकड़ लिया, किसी के 4.25 किले हैं, किसी के 6 किले हैं, किसी के 5 किले हैं, ऐसे करके मतलब पूरे कई किसान, 7-8 किसानों करीब है, 7-8 किसान है भाई साहब। ठीक जी भाई।